महिला आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची थी। यहां पर टीम ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। सुनिए महिला आयोग की टीम ने क्या कुछ कहा। टेन आउट ऑफ मोलहिल। मोलहिल क्यों है? क्या पूरे वेस्ट बंगाल में छोटे छोटे मोलहिल्स बन गए हैं और उन या माउंटेन्स को मोलहिल बनाया जा रहा है? बहुत सारी चीजें बाहर आ रही हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। पुलिस खुद दबाती है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। आज भी पता चला है कि डीएम बाहर है। जहां भी मैं कभी जाती हूं, डीएम कभी नहीं मिलते हैं और एसपी कभी नहीं मिलते हैं। हमेशा ममता जी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को मिलने नहीं देती सेंट्रल एजेंसीज को, ताकि सच बाहर ना आ जाए। लेकिन सच की एक परिभाषा है कि वो बाहर आता ही आता है, कोई भी उसको ढक नहीं सकता। पुलिस क्या इतनी इनकम्पूप है कि वो अरेस्ट नहीं कर पा रही? क्या पुलिस सिर्फ विक्टिम्स के रिलेशंस को अरेस्ट करने के लिए है? मैंने सुना है, जो मेरी टीम पहले गई थी, कि 10 वो लोग अरेस्टेड हैं जिनके जो विक्टिम्स हैं उनके रिलेशन वाले, तो उनको अरेस्ट कर सकती है तो, और जो आरोपी है उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? क्या ये साठगांठ एडमिनिस्ट्रेशन की है या गवर्नमेंट की है कि आज तक शाहजान को अरेस्ट नहीं किया गया? ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, देखिए, जब रेखा शर्मा ये कह रही हैं कि डीएम एसपी का एक्सेस नहीं है, उनकी ये प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार आरोप इसी तरीके से उठ रहा है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो या फिर जो प्रतिनिधि दल, चाहे वो एससी कमीशन के हो या फिर वुमेन कमीशन के। देखिए पिछले एक हफ्ते में 2 बार एनसीडब्ल्यू की जो टीम है उनमें से रेखा शर्मा कल वहां पर पहुंची थी। उन्होंने गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया और सबसे गंभीर आरोप जो वहां के महिलाओं से उठकर आ रहा है। देखिए पिछले एक हफ्ते से संदेश खाली हेडलाइन पर है, तमाम मीडिया के कर्मी हम वहां पर जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सारे गंभीर आरोप हो रहे हैं। जो महिलाएं बाहर आकर बात रख रहे हैं, आरोप उठा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के गुंडागर्दी के खिलाफ, नाम बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ उत्पीड़न का आरोप जो है पुलिस के खिलाफ की जा रही है। कई सारे मसले वहां पर है, मैंने कई सारे खुद महिलाओं से बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां पर रात भर लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वो वहां पर लोकल गुंडे तो है, उसके साथ साथ उनके आरोप ये भी है कि लोकल पुलिस भी उनके साथ मदद कर रही है, तो इस तरीके के गंभीर आरोप है। देखिए इस मौजूदा हालात में आज शुभेंदु अधिकारी, जिनकी वो काफी लंबे वक्त से मशक्कत कर रहे थे, संदेश खाली पहुंचकर उन महिलाओं के गुहार सुनने की, जो लैंड ग्रैब के चार्जेस आ रहे हैं उनको समझने की, तो इस आखिरकार कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी और फिर आज वहां से शुभेंदु अधिकारी और अन्य सब विपक्ष के जो विधायक है वो कुछ ही देर में संदेश खाली की तरफ रवाना होंगे। लेकिन कुछ देर पहले हमने शुभेंदु अधिकारी से बात की, उनका मानना है कि हो सकता है बावजूद इसके उनके पास कोर्ट ऑर्डर है फिर भी पुलिस उन्हें रोक सकती है। तमाम आरोप ममता सरकार और उनकी पुलिस के खिलाफ संदेश खाली को लेकर विपक्ष भी उठा रहे हैं और वहां के स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं, हालत बेकाबू है। साथ ही ऋतिक, खबर ये भी आ रही है कि वृंदा करात भी जा रही हैं, उनके जाने की क्या जानकारी मिल पा रही है? आज ही वो पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जैसे हमें बताया गया कि शुभेंदु अधिकारी जैसे एक तरफ से पहुंच रहे, उसके साथ साथ वाम दल उनके भी काफी दिनों से उनके प्रतिनिधि वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, आज वृंदा करात के भी वहां पर पहुंचने की खबर है और अब देखने वाली बात होती है कि क्या उन्हें पुलिस जाने की अनुमति देती है। देखिए जिस धारा 144 को लेकर बवाल है, क्योंकि हम जानते हैं मौजूदा हालात में, पहले तो 19 ऐसे जगह है जहां पर धारा 144 लगा दिया गया था, बारी बारी में पुलिस उसकी हटाने की प्रक्रियाएं कर रही थी, फिर कोर्ट इसको चैलेंज करते हुए बीजेपी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी वो वहां पर पहुंचे थे और जिसका अहम जो एक ऑर्डर कल दिया गया सिंगल बेंच के जरिए कि शुभेंदु अधिकारी वहां पर जाए, तयशुदा वक्त में जाए, वहां पर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच वो ना रखे और उसके लिए बाकायदा पुलिस की जो इंतजाम है, सिक्योरिटी इंतजाम, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को करने को कहा गया है और कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी ऐसे निकलेंगे। लेकिन ये क्या ये एक ही ऑर्डर वृंदा करात के लिए भी होगी या फिर उन्हें क्या जाने की अनुमति दी जाएगी, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि विपक्ष के चाहे वो लेफ्ट के पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के, हमने देखा है कि बीजेपी की जो डेलीगेशन जेपी नड्डा द्वारा बंगाल में भेजी गई थी उसका भी रास्ता रोका गया था। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी आज वहां पर पहुंचने की मशक्कत कर रहे हैं, तो इस बीच जो है राजनीति वो चल रही है। अब देखने वाली बात होती है कि वृंदा करात सीपीएम के नेत्री वो जब यहां पर पहुंचेंगी क्या उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप।